हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी मेंटो। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिजिटल लॉजिक में बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी कर लिया है, जहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे लाइक ट्रांसपोजिशन थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये सारे थ्योरम आपको साथ लेकर चलने हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाए हुए हैं। और इसके अलावा जो प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको मिनिमाइजेशन के ऊपर जो क्वेश्चन करवाए हैं उनका भी आइडिया आपको साथ लेकर चलना है। तो आज के लेक्चर में अब हम बेसिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो जो जो अभी लाइव है, आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो यहां पर अगर हम एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म आगे बढ़ाएं तो आप देखो ध्यान से, सबसे पहले हम यहां पर एसओपी फॉर्म डिस्कस करेंगे। तो एसओपी फॉर्म क्या होता है आपका? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहां पर मैं आपको बेसिक चीजें तो सिखाऊंगा ही, लेकिन साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज के लेक्चर में। तो अगर आप यहां पर एसओपी फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हो, तो एसओपी फॉर्म हमारा क्या होता है? लेट सपोज अगर मैं आपको ऐसे शो करूं 0001 1011, और अगर मैं आपको यहां पर आउटपुट शो करूं तो मैं आपको कुछ आउटपुट ऐसा शो कर रहा हूं 0101। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने टू वेरिएबल्स के लिए यहां पर काउंटिंग लिखी है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, डिजिटल लॉजिक अगर आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हो ना, तो आपको एटलीस्ट 4 वेरिएबल तक की काउंटिंग पूरी आनी चाहिए, मतलब 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या मेंशन किया है? 0 1 2 3। तो ये आपको हमेशा आना चाहिए 0000 से 1111, 0 से लेकर 15, 4 वेरिएबल तक ही। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 12 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1100 होता है। उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो हम लोगों ने वाई रिप्रेजेंट किया है, बेसिकली एसओपी फॉर्म होता क्या है आपका? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यहां पर ना आपके 2 इनपुट वेरिएबल हैं और एक आपका आउटपुट है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो y a, b। दैट मींस y आपका आउटपुट है जो कि 2 इनपुट वेरिएबल्स a और b पर आपका डिपेंड करता है। लॉजिक क्लियर हो गया? तो यहां पर अगर आप शो करोगे तो एसओपी फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आउटपुट जहां जहां पर आपका 1 होगा वहां वहां पर आपको इक्वेशन शो करने हैं। तो देखो आप क्या लिखोगे, यहां पर आपका 1 है और यहां पर आपका 1 है, तो क्या शो करोगे? एसओपी फॉर्म में आपको स्टार्ट से एक सिचुएशन क्लियर रखनी है कि 0 मतलब आपका क्या होगा? ए बार। और 1 मतलब क्या होगा? ए। मतलब जब भी आपका ए बार हो मतलब वो 0 है, 0 है मतलब वो ए बार है। तो 0 मतलब वेरिएबल का बार और 1 मतलब नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर अगर आप देखोगे सिचुएशन को, तो यहां पर ये 1 है, ये 1 है, इसके लिए आप आंसर लिखोगे, तो देखो यहां पर ए का बार हो जाएगा, ए का बार इंटू बी क्योंकि बी 1 है, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका a इंटू बी क्योंकि a और b यहां पर आपके दोनों 1-1 है। तो इस तरीके से आप यहां पर मेंशन करोगे, ये बहुत इजी है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर अब अगर हम आगे बढ़ें तो आप यहां पर ध्यान से देखो, ये जो है आपके जो टर्म्स आपके हैं यहां पर, ये टर्म्स आपके कहलाते हैं यहां पर प्रोडक्ट टर्म। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, इसी कारण इसे क्या कहते हैं हम? एसओपी फॉर्म कहते हैं। और यहां पर ये जो टर्म है ये आपके मीन टर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये सम ऑफ मीन टर्म्स है। तो सम ऑफ मीन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, एसओपी फॉर्म। क्लियर है पॉइंट? लेकिन एग्जाम में अब ये पॉइंट आप ध्यान रखना, चाहे 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल्स हो, अगर उसे ये देना होगा तो वो कभी ये नहीं देगा एग्जाम में। एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट होगा आप ये भी अंडरस्टैंड कर लो, वाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू सिग्मा एम, ये आपका लिखा जाएगा 1,3। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये होता है समेशन, सिग्मा समेशन, स्मॉल एम आपका डिनोट करता है मीन टर्म्स। तो समेशन ऑफ मीन टर्म्स, कौन कौन से मीन टर्म्स? 1 और 3 वाले। तो आप कैसे इसको देखकर ये लिख सकते हो, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो आप देखो यहां पर जो आपका वाई है वो आपका ए और बी 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर आप देखोगे 1,3, तो आपको ये समझना होगा जब आपके 2 वेरिएबल्स हैं तो वो 2 वेरिएबल्स हैं तो आपके 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्या क्या? 0001 1011, ये आपके माइंड में तुरंत चल जाना चाहिए,
लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको यह क्लियर रहना चाहिए वन क्या होता है, वन होता है जीरो वन, इसलिए मैंने बोला आपको गिनती आनी चाहिए, वन मतलब जीरो वन और थ्री मतलब वन वन। तो आप सोचो जीरो वन मतलब ए बार बी, थ्री मतलब वन वन मतलब ए इंटू बी, ये आपको यहां पर डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, इससे आप ये लिख पाओ, ये आपकी सिचुएशन यहां पर रहनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये हमारा होता है एसओपी फॉर्म, बेसिक फॉर्म है आपका। यहां पर जैसा मैंने बोला आपको गिनती आनी चाहिए, तो अगर मैं आपको एक और यहां पर सिचुएशन सिखाऊं तो आप देखो वाई ए कॉमा बी कॉमा सी अगर आपको दे देता सिग्मा एम 1367, ठीक है, और अगर आपको गिनती नहीं आती अब जीरो से लेकर सेवन तक थ्री वेरिएबल्स के लिए अगर आपको काउंटिंग नहीं आती है तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में ये नहीं लिख पाओगे, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि वन क्या होता है आपका, जीरो जीरो वन मतलब क्या लिखोगे आप, ए बार बी बार सी, थ्री क्या होता है आपका जीरो वन वन तो क्या लिखोगे आप, ए बार बी सी, सिक्स क्या होता है आपका वन वन जीरो मतलब ए बी सी बार, और सेवन क्या होता है आपका वन वन वन, तो कितना हो जाएगा आपका ए बी सी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो गिनती अगर आपको आती होगी तो कितना ज्यादा इजी हो जाएगा ये एनालिसिस, अदरवाइज आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे आप खुद सोचो यहां पर, ठीक है। हेलो शुभम। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हमने थ्री वेरिएबल्स के लिए भी रिप्रेजेंट कर लिया, वैसे आप फोर वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हो, मेनली बस आपको काउंटिंग आनी चाहिए और ज्यादा नहीं, सिर्फ फोर वेरिएबल्स तक की काउंटिंग आप अपने माइंड में रखो, उससे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो मैंने अब लिखा है, अगर मैं इस एनालिसिस को यहां पर ध्यान से अगर देखूं तो आप देखो ये जो एनालिसिस है हमारा, जो काफी एक स्टैंडर्ड फॉर्म था टू वेरिएबल्स के लिए, ये तो जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है अभी, तो अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपके दो मीन टर्म थे, दो मीन टर्म थे आपके एक और एक दो, क्योंकि यहां पर आपके दो वन थे तो आपको दो मीन टर्म मिले, तो इसका मतलब जितने वन होंगे उतने आपको मीन टर्म्स मिल जाएंगे। यहां पर अगर मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेता, सारे एनालिसिस आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। हेलो लिपिका, हाँ शुभम, ये जो क्लास है ये पूरी ओवरऑल है, मतलब आप इस क्लास को जब पढ़ रहे हो तो आपको डिजिटल लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो इसके थ्रू, क्लियर है पॉइंट, मतलब काफी डेप्थ में हम जाएंगे, एक एक चीज को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर हम वाई ए कॉमा बी को अंडरस्टैंड करें अब, तो ए कॉमा बी जो है हमारा, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करूं, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मिनिमाइजेशन स्टडी किया था अगर आपको याद हो तो मिनिमाइजेशन जो स्टडी किया था, आप देखो अगर बी कॉमन ले लें तो ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वन। तो आपको अब यह समझना होगा, ठीक है, और आपको यह समझना होगा यहां पर कि ये जो आपका वाई ए कॉमा बी आपका बी आंसर दे रहा है, तो यहां पर ये जो आपका फॉर्म है ये आपका कहलाता है कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, ये आपका एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड एसओपी, और जो इसी को हमने मिनिमाइज किया है, इसी को जो हमने मिनिमाइज किया ये आपका कहलाता है मिनिमल फॉर्म। तो आपको ये सिचुएशन यहां पर क्लियर रहनी चाहिए कि यहां से आप कैनोनिकल फॉर्म अचीव करते हो जब आप डायरेक्टली ट्रुथ टेबल को देखकर लिखते हो या आप इसको देखकर लिखते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म मतलब क्या होगा, जहां पर आपको डायरेक्टली मीन टर्म्स दिखाई दे रहे हो, जहां पे डायरेक्टली मीन टर्म्स या प्रोडक्ट टर्म आपको दिखाई दे रहे हो वो आपका होगा कैनोनिकल फॉर्म। और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपको यहां पर दिखाई देगा वो आपका क्या होगा यहां पर, वो आपका होगा यहां पर मिनिमल फॉर्म। ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई अच्छे से। तो कैनोनिकल फॉर्म एंड मिनिमल फॉर्म, ये दोनों फॉर्म आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाऊं एसओपी फॉर्म में, तो जो आपका नेक्स्ट यहां पर एनालिसिस होगा वो आपका ये होगा कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दे और आपको यहां पर बोले कि आप यहां पर नंबर ऑफ मीन टर्म्स अचीव करो, तो आपको यहां पर दो फॉर्म पता चल गए कि एसओपी फॉर्म के टोटल आपके दो फॉर्म होते हैं। कौन कौन से फॉर्म होते हैं आपके, एक फॉर्म होता है आपका कैनोनिकल और एक फॉर्म होता है आपका मिनिमल। तो आपको जब दोनों के दोनों फॉर्म यहां पर अच्छे से पता है,
तो उसके बाद अब अगर आपको कोई इक्वेशन देखकर आपसे ये पूछ ले कि आप यहां पर ये बताओ कि यहां पर टोटल कितने मीन टर्म्स होंगे, तो आपको यहां पर ये पता है कि जो कैनोनिकल फॉर्म होता है उसमें हम डायरेक्टली काउंट करके बता सकते हैं कि भाई हां इतने मीन टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे, आपको जब ये प्रॉब्लम देगा कि आप यहां पर नंबर ऑफ मीन टर्म्स अचीव करो, तो सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि जो आपको इक्वेशन गिवन है क्या वो कैनोनिकल फॉर्म में है। क्योंकि देखो ये सेम इक्वेशन जब हमने मिनिमल फॉर्म में लिखा तो यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और एक ही टर्म है, तो ये आपको नंबर ऑफ मीन टर्म नहीं दे रहा है, जबकि जो कैनोनिकल फॉर्म था वो आपको टोटल दे रहा था, वन और वन टू, टू मीन टर्म्स आपको दे रहा था यहां पर। तो फिर आप कैसे ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर पाओगे? तो आप देखो, सबसे पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है। तो अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं आपके साथ, तो कैनोनिकल फॉर्म में देखो आपके लिए जब दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था तो हर एक टर्म में दोनों के दोनों वेरिएबल आपके प्रेजेंट थे। आप देखो ये जो आपका पहला प्रोडक्ट टर्म था उसमें भी ए और बी प्रेजेंट थे, दूसरे प्रोडक्ट टर्म में भी आपके ए और बी प्रेजेंट थे। तो कैनोनिकल फॉर्म की यही पहचान रहेगी कि जो भी आपके प्रोडक्ट टर्म होंगे जिनका सम होना है उसमें जितने इनपुट वेरिएबल है वो सारे के सारे प्रेजेंट रहने चाहिए, तब वो कैनोनिकल फॉर्म है, अदरवाइज वो कैनोनिकल फॉर्म में आपका नहीं है। तो यहां पर अगर आप सिचुएशन को समझोगे तो आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका ए में सिर्फ ए है तो बी और सी गायब है तो आपका ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, और बी सी में ए गायब है तो ये आपका अगेन कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? तो यहां पर अब अगर आप इस ए को, बी और सी को अगर आप इंक्लूड करते हो, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करो ऑलवेज आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वन से। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? जब भी आप मल्टीप्लाई करो आपको ऑलवेज मल्टीप्लाई करना होगा वन से, और जब भी आप ऐड करो आप ऑलवेज ऐड किससे करोगे, ऑलवेज ऐड करोगे आप जीरो से। तो यहां पर आप देखो आपको यहां पर सब जगह मल्टीप्लीकेशन करना है क्योंकि आपको तो यहां पर प्रोडक्ट टर्म जनरेट करना है। तो आप देखो यहां पर बी और सी गायब थे तो आपने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, लेकिन किस फॉर्म में किया, वन के फॉर्म में किया। तो यहां पर अब अगर आप ओपन करते हो तो सिचुएशन क्या होगी, ए बी सी, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। तो यहां पर जब आपने इस तरह से मल्टीप्लीकेशन किया तो आप देखो ओके प्रोडक्ट और समेशन इन टू वे। तो यहां पर अगर आप देखोगे सबके सब, तो जब आपने यहां पर मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लिया, मतलब प्रोडक्ट परफॉर्म कर लिया, तो यहां पर अब आपके कितने टर्म आ रहे हैं टोटल, अब आप देखोगे हर एक टर्म में आपके तीन तीन वेरिएबल अवेलेबल हैं, हर एक टर्म में तीनों के तीनों वेरिएबल अवेलेबल है, मतलब ये कैनोनिकल फॉर्म में है। तो यहां पर कैनोनिकल फॉर्म में जितने टर्म्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, मीन टर्म्स कहलाते हैं। तो यहां पर आपके मीन टर्म्स कितने हैं, देखो एक दो तीन चार पांच छह, लेकिन क्या वाकई में सिक्स है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपका कोई ना कोई एक टर्म जो होगा वो आपका यहां पर रिपीट हो रहा होगा, कोई ना कोई आपका एक टर्म ऑलवेज रिपीट हो रहा होगा, और वो टर्म आपका क्या है, आप देख लो यहां पर वो टर्म है आपका ये वाला एबीसी, एबीसी आपका रिपीट हो रहा है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि एबीसी प्लस एबीसी आप क्या लिख सकते हो, एबीसी, ए प्लस ए को आप क्या लिख सकते हो, ए। तो एक्चुअल में आपके कितने मीन टर्म है टोटल, यहां पर फाइव, तो आपको यहां पर फाइव मीन टर्म मिल रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो सकता है फाइव। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, या ये भी सिचुएशन हो सकती है, अगर मैं यहां पर आपके लिए मेंशन कर दूं तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपको सिग्मा एम में चार ऑप्शन दे दे। तो अगर आप सिग्मा एम में चार ऑप्शन यहां पर देखोगे तो आप देखो काउंटिंग, जैसा मैंने बोला आपको ऑलवेज आनी चाहिए, जिनको काउंटिंग नहीं आती है वो ये नहीं कर पाओगे, ये बात आप अच्छे समझ लो। तो जिनको नहीं आती है काउंटिंग, वो आज का आज ही क्लास के बाद फोर वेरिएबल्स तक की काउंटिंग अपने कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करो, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको काउंटिंग आनी चाहिए। तो देखो ए बी सी मतलब क्या होता है, वन 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 मतलब सेवन, फिर ए बी बार सी बार वन, जीरो जीरो मतलब ये कितना है आपका फोर,
फिर ए बी बार सी 101 मतलब ये कितना है आपका 5, ए बी सी बार मतलब ये कितना है आपका 6, और यहां पर कितना है आपका 011 मतलब ये कितना है आपका 3। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये भी सिचुएशन हो सकती है कि एग्जाम में ऑप्शन इस तरीके से फ्रेम हो, या आपसे ये पूछ सकता है कि नंबर ऑफ मीन टर्म्स कितने हैं। तो पहले आप इन चीजों को ऑब्जर्व करो अच्छे से। देखो ये तो आपके लिए सिंपल थी चीजें, एक बार आप इसको ऑब्जर्व करो और देखो कि आपको कहीं कोई डाउट हो रहा है तो पहले आप क्लियर कर लो, ठीक है। सबके सब यहां पर ऑब्जर्व करो, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पहले क्लियर कर लो, ठीक है। और लिपिका आपको क्लियर हुआ जो आप पूछ रहे थे डाउट? और शुभम अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो आज क्लास के बाद आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर लो, फर्स्ट क्लास को अच्छे से देख लो, आपका बेसिक जो है और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की हो तो अभी सेकंड क्लास को जितना अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना अंडरस्टैंड करो, जहां जहां डाउट्स होंगे वो फर्स्ट क्लास को अटेंड करोगे तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है शुभम। और बाकी लोग देख लो, अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लो, क्योंकि ना मैं इसी के ऊपर अब एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा। ये प्रॉब्लम तो हर कोई करता है लेकिन हम कुछ अलग भी करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे, ठीक है। सबको सिचुएशन क्लियर हो गई? ठीक है, देखो अब यहां पर मैं इसी प्रॉब्लम को रेफरेंस लेते हुए कुछ अलग आपको करके दिखाता हूं। और जैसे मैंने बोला है काउंटिंग में किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आज का आज ही क्लियर कर लेना, अदरवाइज डिजिटल में एक भी मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं y a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e, अब ये थोड़ी लेवल की प्रॉब्लम है ना, इसको थोड़ा अच्छे से सुनना सबके सब। तो यहां पर अगर है आपका लेट सपोज a प्लस cd, ये आपकी सिचुएशन है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? तो अब देखो ये जो आपकी सिचुएशन है a प्लस cd वाली, आप देखो यहां पर भी a प्लस बीसी ऐसा ही कुछ फॉर्मेट था। यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे? 3 थे। यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 5 है। आप समझो एग्जाम में हो सकता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 100 हो, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो आप समझो ये जो अप्रोच है ना, कि आप देखो यहां पर आपने क्या देखा था, मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगा और आपको ना समझना है, रटना नहीं है। तो आप देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम थी, कि यहां पर ए अकेला था, बी और सी नहीं थे। एसओपी फॉर्म की पहचान क्या होती है, कि उसमें हर एक टर्म में, हर एक टर्म में तीनों के तीनों वेरिएबल या जितने वेरिएबल हैं सबके सब प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बी और सी गायब थे, तो आपने बी और सी को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया वन के फॉर्म में, क्योंकि आप ऐसे बी और सी नहीं कर सकते ना, हमारा राज थोड़ी ना चलता है कि हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें। हाँ हम वन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आपने वो काम किया था, ये सिचुएशन क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो यहां पर क्या था, तीन वेरिएबल थे, तो यहां पर ए था, तो बी और सी गायब थे, तो आपने बी और सी को मल्टीप्लाई किया। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो पहले में ये जो आपका ए है उसमें आपका कौन कौन गायब है, बी गायब है, सी गायब है, डी गायब है और ई गायब है, ये समझ में आ रहा है? अगर मान लो यहां पर 100 वेरिएबल होते, आप बोलोगे अल्फाबेट तो 26 होते हैं, 100 कैसे हो जाएंगे? अरे स्मॉल कैपिटल A1 A2 A3 करके 100 दे दिया मान लो, ठीक है, तो 100 वेरिएबल होते हैं मान लो। तो क्या अगर यहां पे सिर्फ A लिखा होता या A1 लिखा होता, तो क्या बाकी के 99 आप इस तरीके से इंक्लूड करते हैं क्या? इतना टाइम होता है हमारे पास एग्जाम में? बिल्कुल नहीं होता। तो आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एक लॉजिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आप देखो अगर यहां पर अभी फिलहाल मैं लिख के दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ। तो देखो अगर यहां पर आपका ए है तो यहां पर बी सी डी ई गायब है, तो आप कैसे ऐड करोगे? बी प्लस बी बार, सी प्लस सी बार, डी प्लस डी बार और ई प्लस ई बार। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है उससे अगर आप समझने की कोशिश करो, तो यहां पर जब बी और सी गायब थे तो टोटल कितने टर्म बने? 1, 2, 3, 4, ठीक है, क्योंकि ये जो आखिरी के दो थे आपके वो तो इससे आए थे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि टोटल जो टर्म बने थे आपके इस ए के कारण, देखो बी सी, फिर बी बार सी और बी सी बार, सब में एक कॉमन था। देखो ये स्टार्ट के चार बने थे, 1, 2, 3, 4, ये पहले को देखो ए को। तो देखो जब दो वेरिएबल गायब थे तो चार टर्म बने, दो वेरिएबल जब आपने इंक्लूड किए तो चार टर्म बने, और चारों टर्म में एक कॉन्स्टेंट था, देख लो सब में ए था,
और जो चार टर्म बने, जो दो वेरिएबल थे, अगर आप देखोगे बी और सी, तो देखो एक बार क्या आया, बी सी आया, एक बार बी बार सी बार आया, एक बार बी बार सी आया, एक बार बी सी बार आया। इसका मतलब क्या है, दो वेरिएबल थे बी और सी, बी और सी के कितने कंडीशन होंगे, चार, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, तो देखो बी बार सी बार जीरो जीरो, फिर बी बार सी जीरो वन, बी सी बार वन जीरो और बी सी वन वन। तो देखो यहां पर जब दो वेरिएबल गायब थे तो चार कंडीशन बनी और सब में एक कॉमन रहा। वैसे ही अब समझो, अगर यहां पर चार वेरिएबल गायब हैं तो दो वेरिएबल में जब चार कंडीशन बनी, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, तो चार वेरिएबल में कितनी कंडीशन बनेगी, 16 बनेगी आपकी। इसका मतलब टोटल यहां पर कितने टर्म बनेंगे, 16 टर्म्स बन जाएंगे। ये पॉइंट क्या आप सभी को क्लियर हो पाया कि ए के साथ टोटल 16 टर्म बनेंगे, मतलब ए बी बार सी बार डी बार ई बार, जीरो 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 जीरो, फिर जीरो 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 वन, अप टू वन 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 वन, मतलब अप टू बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर हुई। फिर आप देखो सी डी, सी डी में कितने वेरिएबल गायब हैं, तीन, क्योंकि टोटल पांच थे, तो जब दो वेरिएबल गायब थे तो चार टर्म बने और सब में एक कॉमन रहेगा। आप जानते हो जैसे यहां पर सब में एक कॉमन था, जब चार वेरिएबल गायब थे तो 16 बने, तो तीन वेरिएबल गायब है तो कितने टर्म बनेंगे, 8। तो सी डी के रेस्पेक्ट में टोटल आपके 8 टर्म्स बन जाएंगे, मतलब हर एक टर्म में सी डी कॉन्स्टेंट रहेगा। जैसे देखो यहां पर बी सी था और गायब कौन था, सिर्फ ए, तो ए गायब था तो ए जीरो होगा या वन होगा, तो दो टर्म बनेंगे। देखो दो ही टर्म बने थे, आखिरी के टर्म देखो, एक बार ए हुआ एक बार ए बार हुआ, दोनों में देखो बी सी कॉन्स्टेंट था। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो दोनों में ठीक है शुभम, बिल्कुल सही, जीरो 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 टू वन 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 वन, वेरी गुड। तो दोनों में देखो आपका बी सी जो था वो कॉन्स्टेंट था, मतलब जो यहां पर रहेगा ना वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहेगा, जो गायब होगा उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करोगे। ये सिचुएशन आपको क्लियर हो रही है। तो यहां से अब अगर आप देखोगे तो टोटल आपके 24 टर्म बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई यहां पर यह है, यहां भी तो इसके लिए चार बने थे, इसके लिए दो, टोटल छह बने थे, लेकिन आंसर कितना आया, पांच आया। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि कल को अगर 99 वेरिएबल गायब हुए तो क्या 99 बार थोड़ा लिखोगे, तो आपको लॉजिक समझना है यहां पर। तो यहां पर अब देखो टोटल 24 आ रहा है, जैसे टोटल यहां पर 6 आया था लेकिन आंसर हमारा क्या निकला था, 5। मतलब क्या था लॉजिक, क्या था कि इन दोनों के कारण जो दो ग्रुप बन रहे हैं, तो आप देखोगे अगर जो एक ग्रुप था वो ये था चार का और एक ग्रुप आपका दो का था, तो दोनों ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन भी हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ सेम हो सकता है। जैसे कि यहां पर देखो क्या सेम था आपका, एबीसी एबीसी दोनों में सेम था, तो आपने क्या कर दिया, माइनस वन कर दिया, जो जितना सेम होगा उतना माइनस कर दोगे, तो 4 + 2 = 6 माइनस वन जो सेम था, तो 5 आंसर आया। इसका मतलब क्या है, 16 + 8 = 24 माइनस, कुछ ना कुछ माइनस होगा जो दोनों ग्रुप में कॉमन होगा। अब आप फिर से समझो कि दोनों ग्रुप में कॉमन क्या होता है, यहां से एनालिसिस करेंगे। देखो अगर आप इसको देखोगे ना, ए को, किसी भी एक टर्म को देख लो, अगर आप ए को देखोगे तो आपको पता है ए के साथ जो चार टर्म बनेंगे चारों में आपका ए कॉमन रहेगा, मतलब ए आपका सेम रहेगा, ए ए ए ए। तो आपको यह देखना है कि इस ग्रुप में कितने टर्म ऐसे होंगे जहां पर ए आएगा, इस ग्रुप में कितने टर्म ऐसे होंगे जहां पर ए आएगा। तो इस ग्रुप में दो टर्म थे, दो में से सिर्फ एक टर्म में आपका ए आया था, क्योंकि इस ग्रुप में सिर्फ ए ही ऐड होना था, तो ए या तो जीरो होता या तो ए वन होता, जब ए वन होता तो ए आ जाता। तो आपको क्या देखना है कि पहले ग्रुप में जो सब में कांस्टेंट था, मतलब ए था, दूसरे ग्रुप में कितने ऐसे टर्म होंगे जिसमें पहले ग्रुप वाला जो टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म वो आएगा। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा पूछ लेना, मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देखो यहां पर ए के रेस्पेक्ट में 16 टर्म बने जहां पर हर एक जगह ए ए ए कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरे ग्रुप में जहां पर आप क्या क्या ऐड करने वाले हो, सीडी में आप ऐड करोगे ए बी और ई, ये तीन वेरिएबल ऐड करोगे, तो तीन वेरिएबल के लिए 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 से 1 1 1, ठीक है, आपको आता है ये, शुभम ने बताया भी था अभी। तो तीन वेरिएबल के लिए 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब आपको ये समझना होगा कि इन 8 कॉम्बिनेशन में कितने कॉम्बिनेशन में ए आएगा,
जितने कॉम्बिनेशन में वो पहले ग्रुप वाला ए आएगा ना, जो पहले वाले में पहले ग्रुप में कॉमन था ए, जैसे यहां पर पहले ग्रुप में चारों में ए कॉमन था, तो दूसरे ग्रुप में जितने टर्म में ए आया था उसको आपने माइनस कर दिया तो 5 आंसर आ गया। तो यहां पर आप देखो पहले ग्रुप में ए जो कॉमन था 16 के 16 टर्म में, अब दूसरे ग्रुप में कितने टर्म में ए आएगा, तो देखो दूसरे ग्रुप में सी डी अवेलेबल है तो ए बी ई आप कनेक्ट करोगे। तो आप देखो एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, गिनती लिख देता हूं मैं आपके लिए जिससे आपको एक यूनिवर्सल आइडिया लग जाएगा। देखो 000 से 111, तो आप देखो ए जो है कितनी बार वन हुआ, 1 2 3 4, बात एक ही नहीं है, बात कोई भी वेरिएबल ले लो, ई भी देखो 1 2 3 4, बी भी देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने टर्म बनने वाले हैं ना हर एक वेरिएबल आधी बार जीरो होता है आधी बार वन होता है, जितने टोटल बनने वाले हैं सीडी के लिए 8 टर्म बनने वाले हैं, तो हमेशा ध्यान रखना हर एक वेरिएबल आधी बार जीरो होगा आधी बार वन होगा। तो इसका मतलब क्या है, इन इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर एग्जाम में अगर आप समझ गए हो तो इसका मतलब क्या है, वेरी गुड शुभम 4 आंसर था, इसका मतलब क्या है कि आपके 4 ऐसे टर्म होंगे जिसमें ए आएगा जो कि पहले ग्रुप में क्या था, अवेलेबल था, ठीक है। क्योंकि देखो पहले ग्रुप में जब आप 16 टर्म जोड़ोगे ना, 16 टर्म जब पहले ग्रुप के लिए लिखोगे तो सीडी तो पहले ग्रुप में भी कहीं कहीं आएगा ही, तो जहां जहां आपका दूसरे ग्रुप में ए आ गया वो टर्म आपके कॉमन निकल जाएंगे, आप चाहो तो इसको पूरा लिख के भी देख सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -4, मतलब आंसर हो जाएगा 20, ठीक है, आंसर आपका कितना आएगा 20 आ जाएगा। देखो 8 टर्म का लॉजिक अच्छा, बट मुझे यह समझ में नहीं आया 16 का क्लियर हुआ तो 8 का क्लियर क्यों नहीं हुआ, जैसे कि 16 मतलब जब 4 गायब थे ए में, जब 4 वेरिएबल गायब थे तो 2 की पावर 4 16 टर्म बनेंगे 0000 से 1111 तक, जब सीडी में 3 वेरिएबल गायब है तो 3 वेरिएबल के लिए ए बी ई गायब है तो 8 नहीं बनेंगे कॉम्बिनेशन 3 वेरिएबल के लिए, तो मैं लिख के भी दिखाया बल्कि 4 वेरिएबल थे तो लिखा भी नहीं था मैं, तो फिर क्लियर ये भी नहीं हुआ होगा, ये बात अंडरस्टैंड करो। 2 की पावर 3 8 बिल्कुल सही है और ये मैंने लिख के भी दिखा दिया है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर होता है ना, क्योंकि अगर आपके 4 वेरिएबल गायब हैं तो आपके 16 टर्म और 3 वेरिएबल गायब है तो आपके 8 टर्म बनेंगे। अच्छा अब मान लो अगर ये क्लियर हो गया 8 टर्म कैसे आए थे, तो मुझे ये बताओ कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कॉमन वाला सबको, 16 + 8 = 24 - 4 = 20, इसका मतलब क्या है पता है आपको, इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर आप कल को 10 टर्म भी आ जाए तो आप अगर ये कंसेप्ट सीख गए हो, ठीक है, कि कब क्या सिचुएशन होती है और अच्छे से अगर इसको नोट कर रहे हो तो आप यकीन मानो फिर उसके बाद आप कोई भी सिचुएशन नंबर ऑफ मीन टर्म्स वाली एग्जाम में बना पाओगे। ओके ओके ठीक है लिपिका बिल्कुल सही, अब क्लियर हो गया ना आपको, तो सब देखो सबको क्या क्लियर हो पा रहा है सिचुएशन, 20 आंसर सबको समझ में आया है। ओके शुभम कहां से फिर से बताऊं, बताओ आप, मैं फिर से बता दूंगा कोई इश्यू नहीं है। देखो जैसे कि मैंने क्या बोला, मैंने इस एग्जाम्पल से रिलेट करवाया, ठीक है। यहां पर देखो a प्लस bc था, तो मैंने क्या बोला हर एक टर्म में जाकर देखो, जैसे इस टर्म में आपके b और c गायब थे और इस टर्म में a गायब था, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल आपको यहां से दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो जब यहां पर b और c गायब थे मतलब कितने वेरिएबल गायब थे, 2, तो ऑलवेज ध्यान रखो 2 वेरिएबल माने 2 की पावर 2 मतलब टोटल 4, तो आपके टोटल यहां पर 4 टर्म बन जाएंगे और हर एक टर्म में a आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, आप देख सकते हो। सेकेंड में कौन गायब था आपका, ए गायब था, सिर्फ ए गायब था, ए गायब मतलब कितने टर्म बनेंगे, 2, एक बार ए होगा एक बार ए बार होगा और दोनों में जो बीसी था वो सेम रहेगा, क्लियर हो गया पॉइंट। वैसे यहां पर टोटल 5 वेरिएबल थे तो सिर्फ ए था, मतलब टोटल 4 वेरिएबल गायब थे, कौन कौन से, बी सी डी ई, चाहो तो लिख भी सकते हो लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करें। तो 4 वेरिएबल गायब है तो कितने टर्म बन जाएंगे, 16, मैंने यहां पर ही मेंशन किया, और ध्यान रखना हर एक टर्म में ए जो है वो सेम रहेगा, जैसे यहां पर था, ठीक है, मतलब जो पहले से प्रेजेंट है ना वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट चलता चला जाएगा ना। फिर दूसरे में सी डी मतलब कौन कौन गायब था, ए बी और ई, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8,
तो 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24 हो गया। ये क्लियर हुआ? तो जैसे यहां पर 6 हुआ था वैसे यहां पे 24 हुआ, लेकिन आंसर हमारा यहां पे 6 नहीं था, हमारा आंसर क्या था, 5 था। तो वैसे यहां पर आंसर क्या होगा उसको समझना है। तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला तरीका, कॉमन टर्म निकालना ही आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो मैंने क्या तरीका सिखाया है, वैसे तो लिख लिख के वो दिख ही जाता है, यहां पर भी लिख लिख के दिख जाएगा, लेकिन अगर 100 वेरिएबल आए तो लिख नहीं पाओगे ना, इसलिए तरीका समझना जरूरी है। तो तरीका क्या है कि आप ये देखो कि जो पहले ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप को पकड़ लो, तो पहले ग्रुप में जो आपका ए कॉमन था चारों के चारों टर्म में, यहां पर पहले ग्रुप में 16 के 16 टर्म में ए कॉमन होगा, तो बस आपको ये देखना है कि दूसरे ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में कितनी बार आपका ए आएगा, ठीक है, दूसरे ग्रुप में कितनी बार आपका वो वेरिएबल आएगा जो पहले ग्रुप में कॉमन था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले ग्रुप में ए कॉमन था पूरे के पूरे टर्म में, यहां पर भी और यहां पर भी, तो दूसरे ग्रुप में कितनी बार आपका ए आएगा उतने टर्म कॉमन रहेंगे। जैसे देखो यहां पर बीसी था तो एक बार ए हुआ, एक बार ए बार हुआ, तो दूसरे ग्रुप में एक बार ए आया था तो एक टर्म कॉमन हुआ था, तभी आंसर 5 आया था। अब यहां पर देखो ए 16 टर्म बने थे, सभी में ए कॉमन था, तो दूसरे ग्रुप में कितने टर्म ऐसे होंगे जहां पर ए आएगा, ए बार वाला नहीं, ए वाला लेना है जो पहले ग्रुप में कॉमन था। तो जब सीडी में आपको पता है ए बी ऐड करोगे तो टोटल आपके 8 ग्रुप बनेंगे, ए आएगा मतलब जहां पर ए 1 होगा वहीं पर तो ए लिखोगे, जहां पर ए 0 होगा वहां तो ए बार लिख दोगे, ठीक है। तो 8 टर्म बनेंगे, हर एक टर्म में सीडी आपका सेम रहेगा। तो आप देखो 1 2 3 4, और बात सिर्फ एक ही नहीं है, बी भी 4 बार 1 होगा, ई भी 4 बार 1 होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना कि जब आप 3 वेरिएबल की बात करोगे तो हर एक वेरिएबल 4 बार 0 होगा, 4 बार 1 होगा। जब आप 4 वेरिएबल की बात करोगे तो टोटल 16 टर्म होते हैं ना, तो हर एक वेरिएबल मतलब जो जो वेरी कर रहा है वो 8 बार 0 होगा, 8 बार 1 होगा, मतलब आधा आधा 1 आधा 0 हर एक वेरिएबल, ये ध्यान रखना। तो यहां पर हमें पता चल गया कि भाई जब 3 वेरिएबल ऐड करेंगे 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 4 बार जो है वो ए रहेगा और 4 बार ए बार रहेगा। हमें सिर्फ ये देखना था ए कितनी बार रहेगा दूसरे ग्रुप में, जो कि पहले ग्रुप में कांस्टेंट था, बस वही कर देना है -4, आंसर आ जाएगा। अब बताओ शुभम, लिपिका, क्लियर हुआ अच्छे से? अब आगे बढ़े हम लोग, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अब। और देखो ये ऐसी चीजें होती है ना कि अगर आप अपने वर्ड्स में इसको लिख के नहीं रखोगे, ठीक है, अपने वर्ड्स में अगर लिख के नहीं रखोगे तो बाद में आप 100% भूल जाओगे। तो जब आप इन चीजों को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट रहनी चाहिए अपने वर्ड्स में, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, उससे कोई मैटर नहीं करता, कंसेप्ट मैटर करता है, बस आपकी क्लियरिटी मैटर करती है, ठीक है। तो ये क्या था आपका एसओपी फॉर्म था। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पीओएस फॉर्म। तो आप ध्यान से अब अंडरस्टैंड करना पीओएस फॉर्म को, अब आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है एक बार एसओपी पढ़ लेने के बाद। ध्यान से देखो, ए कितना हो जाएगा आपका यहां पर 0 और ए बार 1, उल्टा है जस्ट, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, बिल्कुल। मतलब देखो ऐसा नहीं है, बुक भी हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन जो हम समझने वाली लैंग्वेज में स्टडी करते हैं ना हम लोग आपस में मिलकर, वो लैंग्वेज को आपको लिखना चाहिए। मेरा बोलना सिर्फ इतना है, वो लॉजिक, वो कंसेप्ट, वो ट्रिक आपको लिखने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ध्यान से, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, तो पीओएस फॉर्म अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो फिर से मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं 0 1 0 1, गिनती आपको आनी चाहिए जैसा मैंने बोला है। तो यहां पर अगर आप पीओएस फॉर्म लिखना चाहते हो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम्स, तो आप कैसे लिखोगे ध्यान से देखो। यहां पर आपको देखना है जहां जहां पर आपका जीरो होगा, तो जहां जहां पर जीरो है ध्यान रखना, जहां नॉर्मल होगा वहां जीरो लिखना, जहां बार होगा वहां वन लिखना, मतलब वन को बार, जीरो को नॉर्मल। तो ये जीरो है तो नॉर्मल लिखोगे। ध्यान रखना यहां पर जो इंडिविजुअल टर्म होते हैं ना वो आपस में ऐड होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल जो टर्म होंगे वहां पर आपको एडिशन दिखाई देगा वेरिएबल्स के बीच में, इसी कारण इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। मतलब यहां पर जितने जीरो दिखाई देंगे ना उतने आपको ये ऐसे टर्म दिखाई देंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो यहां पर अगला जीरो ये है, ये वन है, वन मतलब
बार और जीरो मतलब नॉर्मल। तो ये आपकी यहां पर सिचुएशन होगी ए प्लस बी, ए बार प्लस बी। ठीक है, यहां पर अच्छे से समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ सम है ये, मतलब सम टर्म जो है उनका प्रोडक्ट है। लास्ट वाला क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, तो इंडिविजुअल टर्म वहां पर प्रोडक्ट टर्म थे, यहां पर जो इंडिविजुअल टर्म है वो आपके क्या है, सम टर्म है। ठीक है, और उनका आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। और इनको क्या बोला जाता है, इनको मैक्स टर्म बोला जाता है, जैसे वहां पर हम मीन टर्म बोलते थे ना, वैसे ही इनको यहां पर मैक्स टर्म बोला जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो यहां पर अब आप देखो, एग्जाम में अगर ये गिवन होता तो कैसे गिवन होता, ये भी आप समझ लो। तो देखो, प्रोडक्ट के लिए आप ऐसे शो करते हो पाई जैसा, तो प्रोडक्ट आप इससे शो करते हो। मैक्स के लिए आप शो करते हो कैपिटल एम, मैक्स के लिए कैपिटल एम। और देखो यहां पर वो पोजीशन रहती है जहां जहां जीरो रहते हैं, तो जीरो कहां पे, जीरो पे और टू पे, तो आप ऐसे लिखोगे जीरो कॉमा टू। मतलब एग्जाम में जब आपको ये गिवन होगा ना, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये वो पोजीशन बता रहा है जहां जहां पर जीरो है। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि भाई ये पीओएस फॉर्म है, क्योंकि पाई एम लिखा हुआ है एक तरह से। तो आप देखोगे जीरो पे जीरो है और टू पे जीरो है। जीरो की फिर गिनती आनी चाहिए आपको, दो वेरिएबल है, जीरो क्या होता है, जीरो जीरो, टू क्या होता है, वन जीरो। तो फिर जीरो जीरो आप याद करोगे क्या है, पीओएस फॉर्म है, जीरो जीरो मतलब ए प्लस बी, फिर वन जीरो पीओएस है मतलब वन ए बार प्लस बी, ऐसा ऐसा आपको लिखना आना चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए और कुछ नहीं है। इसके बाद अगेन ये वाला जो फॉर्म है ये क्या कहलाता है, आपका कैनोनिकल फॉर्म। और यहां पर अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो वैसे तो सॉल्व हम लोग एक ही स्टेप में कर सकते हैं, जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी याद करो मैंने ट्रांसपोजिशन पढ़ाया था आपको। लेकिन शुभम अगर आपने नहीं भी की थी तो कोई इशू नहीं है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी, ट्रांसपोजिशन मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था, दो ब्रैकेट में एक वेरिएबल अगर आपका कॉमन हो तो उसको क्या लोगे, फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, तो ए इंटू ए बार कितना होता है आपका जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ट्रांसपोजिशन थ्योरम यही था कि दोनों ब्रैकेट में एक वेरिएबल कॉमन होना चाहिए, उस वेरिएबल को क्या बोलोगे, फर्स्ट वेरिएबल प्लस क्या करोगे, सेकेंड इंटू थर्ड, तो ए इंटू ए बार जीरो होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर आपने नोट किया है या स्क्रीनशॉट लिया है, तो अगर आपने देखा होगा तो सेम एग्जाम्पल मैंने आपको एसओपी फॉर्म में भी दिया था, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, वहां भी मैंने 0101 ही लिखा था, और वहां भी जो मिनिमल फॉर्म आया था वो बी ही आया था, आप चेक कर लो, वहां भी मिनिमल फॉर्म बी ही आया था। बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन सेम है, मतलब आउटपुट अगर आपका सेम है, तो चाहे आप एसओपी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, चाहे आप पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, फाइनल आंसर वही रहेगा। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं, फाइनल आंसर में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। फाइनल आंसर जो मिनिमाइज्ड आंसर रहेगा वो ऑलवेज आपका सेम रहेगा, चाहे एसओपी फॉर्म हो चाहे पीओएस फॉर्म हो। आपको एग्जाम में जो फॉर्म अच्छा लगता है आप उस फॉर्म को प्रिफर करो, कोई आपको मना नहीं कर रहा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया? यहां से अब आप देखो, यहां से एक और सिचुएशन आ गई कि अगर आपको पीओएस फॉर्म पता है, पीओएस फॉर्म पता है, तो एक्चुअल में आपको एसओपी फॉर्म भी पता है। कैसे, आप देखो यहां पर इसी का अगर मैं एसओपी लिखना चाहता, तो देखो पीओएस ये शो करता है कि कहां कहां पर जीरो थे, तो आपको पता है टोटल दो वेरिएबल हैं, चार कॉम्बिनेशन होंगे। अगर जीरो और टू पे जीरो है तो ऑब्वियसली बात है बिना देखे मैं बता सकता हूं कि वन और थ्री पर क्या होंगे, वन और थे, आप देख लो वन और थ्री पे वन थे, मतलब जो जो नंबर यहां छूट गए उनको यहां लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई अच्छे से? और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं वाई ए कॉमा बी कॉमा सी सिग्मा एम जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अगर मैं आपको बोलूं यहां पर पीओएस फॉर्म क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि पीओएस फॉर्म यहां पर क्या आएगा सबके सब? तो देखो ध्यान से, यहां पर पीओएस फॉर्म आपका क्या आएगा, देखो तीन वेरिएबल हैं, टोटल कितने कॉम्बिनेशन होते हैं आपके, एट होते हैं, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर सेवन तक। तो सिग्मा एम मेंशन है, इसका मतलब ये मेंशन है
कि आठों के आठों कॉम्बिनेशन में वन है, सिग्मा एम है ना, मतलब हर एक जगह वन है, इसका मतलब कहीं भी जीरो नहीं है। तो अगर कहीं भी जीरो नहीं है तो मतलब इसका पीओएस फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, डस नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसका पीओएस फॉर्म आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। तो जो जो नंबर यहां नहीं होगा वो नंबर वहां आएगा पीओएस में, या जो पीओएस में नहीं होगा वो एसओपी में जाएगा। जब आपके सारे के सारे नंबर प्रेजेंट है, मतलब हर एक जगह अगर वन है, तो फिर इसका मतलब क्या है आपका, कि पीओएस फॉर्म आपका प्रेजेंट नहीं होगा। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, अब आप देखो यहां पर एक और पॉइंट। अगर लेट सपोज मैं ऐसा कुछ लिखूं, अब मैं मिक्स करा के करा रहा हूं एसओपी पीओएस को, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं, मतलब सारे नंबर फिर से अगर मैं लिखूं, तीन वाला थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दो वाले मैं आपको समझाता हूं, सारे नंबर में अगर फिर से लिखूं तो कोई बता सकता है कि आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर? पीओएस की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे यहां पर मिनिमाइज आंसर बी आया था, तो यहां पर फाइनल आंसर क्या होगा बिना सॉल्व किए? बिना सॉल्व किए आपको बताना है कि यहां पर फाइनल आंसर क्या होगा आपका, सबके सभी को बताना है बिना सॉल्व किए कि फाइनल आंसर आपका क्या होगा। तो देखो ध्यान से, अगर आप यहां पर फाइनल आंसर लिखने जाते तो आपको पता है कि जीरो पे भी वन है, वन पे भी वन है, टू पे भी वन है, थ्री पे भी वन है, एसओपी फॉर्म है। तो जीरो पे वन मतलब ए बार बी बार, फिर ए बार बी, फिर ए बी बार, फिर ए बी। तो अगर आप देखोगे पहले दो टर्म से ए बार कॉमन आएगा तो बी बार प्लस बी कितना हो जाएगा वन, लास्ट के दो टर्म से ए कॉमन आएगा तो बी बार प्लस बी फिर से कितना हो जाएगा वन, और लास्ट में ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा आपका वन। तो बोलने का मतलब क्या है यहां पर, आप समझो कि जब आपका एसओपी फॉर्म में सिग्मा एम में हर एक जगह वन है, आप सोच के देखो ना, मैंने चार ऑप्शन लिखे, चारों में वन 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 कर दिया, तो फिर आंसर तो ऑलवेज ही वन रहेगा ना, वेरिएबल के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करोगे आप आंसर को, आंसर इज ऑलवेज वन। वैसे यहां पर भी अगर आप आंसर निकालते तो आंसर आपका क्या होता है यहां पर, वन ही होता। पॉइंट क्लियर हो पा रहा है सबको अच्छे से? वैसे ही अगर आप एसओपी फॉर्म की जगह पीओएस फॉर्म में चेक करो, पाई एम जीरो वन टू थ्री, मतलब यहां पर क्या शो कर रहा है आपको, यहां पर यह शो कर रहा है कि आंसर इज ऑलवेज जीरो, जीरो जीरो पे भी जीरो, जीरो वन पे भी जीरो, वन जीरो पे भी जीरो, और वन वन पे भी जीरो। तो इसको आपके लिए टास्क है, इसका भी पीओएस फॉर्म में जैसे हमने यहां इक्वेशन लिखा था, चारों है इक्वेशन लिखना और चेक करना, आपका आंसर क्या आएगा यहां पर, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो अगर सारे के सारे, अगर मान लो यहां चार वेरिएबल होते तो 16 के 16 में अगर वन है तो आंसर वन ही होगा, 16 के 16 में अगर जीरो है तो आंसर जीरो ही आएगा, कांस्टेंट होगा आंसर। सिचुएशन आप लोगों को क्लियर हो पा रही है अच्छे से? अच्छा, अब यहां पर हम लोग एक और कंसेप्ट स्टडी करेंगे पीओएस में, फिर आपका पीओएस यहां पर फिनिश हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने वहां पर निकाला था ना नंबर ऑफ मीन टर्म, यहां पर सेम होता है आपका नंबर ऑफ मैक्स टर्म का कंसेप्ट। जैसे वहां पर मीन टर्म का कंसेप्ट था, वैसे यहां पर आपका होगा मैक्स टर्म का कंसेप्ट। तो आप अंडरस्टैंड कर लो इसको भी अच्छे से। लेट सपोज आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कंसेप्ट सेम होगा, आंसर भी सेम आएगा, आप देखना। ठीक है, तो प्रॉब्लम दिया है मान लो आपको ए बी प्लस सी, बी प्लस सी बार ले लिया चलो मैं, ठीक है, ए बी प्लस सी बार। तो यहां पर आपको अब क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ मैक्स टर्म कितने हैं। तो जैसे देखो, नंबर ऑफ मैक्स टर्म मतलब आपको पीओएस के बारे में सोचना है। तो जैसे हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल जो देखा था दो वेरिएबल वाला, वहां पर देखो आपके जितने भी पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, जितने भी सम टर्म थे, दोनों में दोनों वेरिएबल प्रेजेंट थे। एक बार हमारा आंसर आया था ए प्लस बी ब्रैकेट फिर डॉट, फिर हमारा आंसर क्या आया था, ए बार प्लस बी या ए प्लस बी बार कुछ आया था। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, जितने भी डॉट के इधर या उधर टर्म रहेंगे वो आपके एक तरह से सम टर्म है, मतलब जिनके जिनके बीच में डॉट है वो आपके सम टर्म है, मतलब ये एक सम टर्म है, ये एक सम टर्म है, तभी तो पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। तो आप देखो जो पहला वाला सम टर्म है ए, उसमें कौन कौन गायब है, बी और सी। यहां पर प्रोडक्ट नहीं करना है, यहां पर हर एक टर्म में सम होना है। तो पहले में कौन कौन गायब है आपका, बी और सी, और दूसरे में कौन गायब है, ए। तो करना क्या है आपको, देखो पहले में अगर आप ए को इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो वैसे तो अल्टीमेटली होगा वही,
चार बी और सी जब पहले में इंक्लूड करने की कोशिश करोगे तो चार ही बनेंगे ग्रुप आपके, बस इस बार प्लस के फॉर्म में बनेंगे। लेकिन प्रोसेस में आपको बता देता हूं, देखो क्या होगा। पहले आप बी को ऐड करोगे, मैं ए को कर रहा हूं ध्यान रखना, तो पहले बी को ऐड करोगे। जिन लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे उनको याद होगा ट्रांसपोजिशन थ्योरम, दोनों साइड से यूज करना आना चाहिए ना। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने अपोजिट साइड से यूज किया था, तो क्या बताया था मैं आपको, अगर 1 प्लस 2 का फॉर्म हो, 1 प्लस 2 का फॉर्म हो तो क्या करोगे, पहले 1 प्लस सेकेंड और 1 प्लस थर्ड। अच्छा एक चीज और, हमने बी बी बार क्यों ऐड किया, क्योंकि इस बार ऐड करना था, इस बार आपको ए में बी और सी को ऐड करना था, तो ऐड ऑलवेज क्या कर सकते हो, जीरो। तो बी इंटू बी बार क्या होता है, जीरो। जीरो को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाए, 1 प्लस सेकेंड 1 प्लस थर्ड, आप देख लो। इसका उल्टा भी कर सकते हो, दोनों ब्रैकेट में एक कॉमन है मतलब ए, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है। फिर आपका बी तो इंक्लूड हो गया, अब आपको क्या इंक्लूड करना है दोनों में, सी। तो फिर से ट्रांसपोजिशन सी सी बार, मतलब पहले तो आप सी सी बार लगाओगे, ठीक है। तो सी सी बार कितना होता है आपका, जीरो होता है ना, हमें अच्छे से पता है कि जो सी सी बार है वो जीरो है, तो कोई भी आपको इंक्लूड करना है तो जीरो को इंक्लूड करना है। तो फिर आप देखो क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट टर्म मान लो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फिर से फर्स्ट प्लस थर्ड, फिर से वही, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस थर्ड। तो यहां पर अगर सच्चाई देखोगे तो ए का ए ही आया, लेकिन आप देखो जो पहले से प्रेजेंट था ए, देखो वो सब में सेम है, ए ए ए ए, और देखो क्या हुआ, एक बार बी प्लस सी आया, एक बार बी प्लस सी बार आया, एक बार बी बार प्लस सी आया, एक बार बी बार प्लस सी बार आया, मतलब सेम सिचुएशन। तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है दो वेरिएबल गायब हैं, मतलब वो ऐसे ही आएंगे चारों के चारों कॉम्बिनेशन। फिर आप देखो बी प्लस सी बार, बी प्लस सी बार में कौन गायब है, ए। तो जो भी गायब होता है ना उसको आप ए ए बार करके कनेक्ट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका बी प्लस सी बार, एक बार क्या होगा प्लस ए, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, लेकिन सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, इसलिए ए को पहले रखना। अब देखो ना ए प्लस बी या बी प्लस ए, बात तो बराबर है, तो पहले क्या लिखते, बी प्लस सी बार प्लस ए, फिर आप क्या लिखते, बी प्लस सी बार प्लस ए बार, तो पहले आप ए बार लिख दो, फिर बी लिख दो, फिर सी बार लिख दो, या अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो पहले एक स्टेप और लिख लो, बी प्लस सी बार प्लस ए, फिर ए बी सी अरेंज कर देना, फिर बी प्लस सी बार प्लस ए बार। तो यहां पर अगर आप देखोगे सिचुएशन, तो होना क्या है एक्चुअल क्वेश्चन में, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मतलब जो आपका ए का आंसर है और बी प्लस सी बार का आंसर है, ये दोनों आपस में आपके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई कितने टर्म होंगे, देखो एक दो तीन चार पांच छह, तो जो प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म ही तो पीओएस होता है ना हमारा, तो देखो ये पूरे छह टर्म प्रोडक्ट होंगे और हर एक में सम हो रहा है, लेकिन 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 यहां पर भी कॉमन होगा, सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी देखो एक कॉमन निकलेगा, जरूर एक कॉमन निकलेगा, कोई कॉमन है चेक करो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, यस ये कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी बार, ये आपका दोनों में है, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा आपका मैक्स टर्म का, फाइव। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, एक टर्म कॉमन है तो वो हट जाएगा, तो एक दो तीन चार पांच, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो इसको पाई एम में भी लिख सकते हो, पाई एम में मतलब नंबर के फॉर्म में, कैसे लिखोगे, ध्यान रखना ये पीओएस है ना, तो वेरिएबल मतलब जीरो, और यहां पर भी जीरो वन जीरो, कॉम्प्लीमेंट मतलब वन जीरो वन वन, यहां पर कॉम्प्लीमेंट है नहीं नॉर्मल है, तो क्या होगा जीरो जीरो वन, क्लियर हुआ पॉइंट। यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट मतलब वन फिर जीरो फिर वन, तो क्या क्या आपका आंसर आ गया देख लो, पहला कितना आ रहा था जीरो, फिर कितना आ रहा था आपका टू जीरो वन जीरो, जीरो वन वन थ्री, जीरो जीरो वन मतलब वन, और वन जीरो वन मतलब फाइव, ठीक है। तो जीरो
1 2 3 5, ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। एक बार और देख सकते हो आप, a प्लस बी प्लस सी, मतलब जहां भी नॉर्मल होगा वहां जीरो लिखना है। तो यहां भी देख सकते हो नॉर्मल पे जीरो लिखा हमने, तो 0 1 0 2, नॉर्मल पे जीरो, कॉम्प्लीमेंट पे वन, 0 1 1 3 था, नॉर्मल पे जीरो और कॉम्प्लीमेंट पे वन, नॉर्मल पे जीरो कॉम्प्लीमेंट पे वन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर था हमारा। तो या तो 5 मैक्स टर्म ऐसे बोल सकता है एग्जाम में, या तो ऐसे बोल सकता है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन देखो आंसर फिक्स था, यहां पर दो वेरिएबल गायब थे, यहां पर एक वेरिएबल गायब था। हमने एसओपी फॉर्म में भी पहला क्वेश्चन यही किया था, तो वहां भी आंसर 5 ही आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सबको सिचुएशन क्लियर हो पाई अच्छे से? तो ये आपका एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म का बेसिक होता है। बेसिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, उसके आगे भी आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है थ्रू आउट द सिलेबस, और इसको लगातार यूज करते चलना है एसओपी और पीओएस को। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ लिया और आज एंड हो गया, ये लगातार हर एक टॉपिक में आपका यूज होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की है, वो लोग पहले फर्स्ट क्लास को अटेंड कर लो, मतलब पढ़ लो अच्छे से, नोट्स अपने बना लो, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़े तो हम लोग को और मजा आए, मतलब ठीक है ना, और अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है शुभम। और बाकी लोग जो भी हैं और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मतलब उनके साथ भी डिस्कस करो इन्फॉर्मेशन, उनको बताओ कि क्लासेस चल रही है, तो वो भी अपनी क्लासेस अटेंड करें, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू।